एम्बर को कुछ बोलना है, क्या बोलना है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो अभी 21 डेज का लॉकिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है, लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है. तो आई एम श्योर कि आप सब ऑलरेडी समझ चुके हो, घर पे ही हो. सबसे अच्छा तरीका यही है इससे बचने का, घर पे रहो. सबसे बेस्ट तरीका यही है, नहीं तो फिर उतने महीने आगे जाएगा ये टाइम. सो गाइस, आई एम यूटिलाइजिंग माय टाइम. 3-4 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था, स्टोरीज में पोस्ट करा था, क्वेश्चन करा था एक्चुअली कि कौन कौन सी सीरीज देखनी चाहिए. तो बहुत लोगों की रिप्लाइज आई कि ये देखो वो देखो. देन उसके बाद में मैंने रियलाइज करा कि पहले तो मैं फिर भी देख सकती थी, 1% चांसेस थे कि मैं देख सकती थी, बट अभी क्या है, अभी तो बिल्कुल चांसेस नहीं है. बिकॉज हमारी जो हाउस हेल्प है, जो मौसी हैं, ये बेबी सिटर हैं, वो कोई भी नहीं आती, तो वो मैं ही करती हूँ. 11 बज चुके हैं और मैंने सिर्फ घर की क्लीनिंग करी है, ब्रेकफास्ट ब्रंच बनाया है और बस, और कुछ नहीं कर रहा है. और अभी मैं वर्कआउट कर रही थी, तो वर्कआउट के बीच में मैंने ब्रेक ली, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग स्टार्ट किया जाए. और एम्बर को मैंने यहाँ पे बिठाया है क्योंकि मेरी दीपक के साथ थोड़ी सी बहस हो गई है, आर्ग्यूमेंट हो गया दीपक के साथ. अच्छा बच्चा बन के यहाँ पे खेल रही है, देख रही है, मम्मा को तंग नहीं कर रही, और मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रही थी. सो ये है मेरे डंबल्स जो मैंने दिखाए भी थे, बट बहुत ही लाइट वेट हैं ये, मुझे भी लगते हैं तो बिगनर्स के लिए काफी अच्छे हैं ये. और ये जो बैंड है, रेजिस्टेंस बैंड जो है, ये मीडियम इम्पैक्ट वाला है. तो बहुत ज्यादा मैं भी हाई फाई वर्कआउट नहीं करती हूँ, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा है, काफी इम्पैक्ट देता है ये. तो थोड़ा सा मैं सूर्य नमस्कार एंड में करती हूँ, और स्किपिंग मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है. सो एम्बर, आपको कुछ बोलना है? यस, चीयरिंग फॉर मम्मा. यस मम्मा, यू कैन डू इट, है ना एम्बर? मम्मा आपकी मोटी आर्म्स कम हो सकती है. व्हाट आर यू डूइंग एम्बर? क्या कर रहे हो पुत्र? एक ही कर रहे हो एम्बर? डैडा इज देयर. डैडा बोल रहे हैं कि मेरे को पढ़ना है. हाँ, ये देखो ये रिमोट का हाल क्या कर रखा है. ये एक्चुअली एम्बर के लिए पापा ने मंगवाया था, क्योंकि एम्बर हमारे टीवी के रिमोट खरीदती थी, तो पापा ने ऐसे ही मंगवा लिया ताकि ये एम्बर को चकमा दे. ये की हो रहा है एम्ब्रो? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको क्या बोलना है कि सब लोग घर पे ही हैं? बोलो स्टे सेफ. हाँ, ये कर रहे हैं देखो, मुझे बोल रहे मुझे पढ़ना है. अरे बैलेंस खत्म हो गया, रिचार्ज कर रहा हूँ. कौन सा? मेरा प्रीपेड है ना. प्रीपेड है आपका? पोस्ट मेरे से अभी बहस हुई है दीपक की, अच्छी तरह से बताओ क्यों हुई है, बताओ. बहस? हाँ, जो उधर हुई थी. एक्चुअली बहस नहीं, मैंने बोला कि उधर जाके अपनी एक्सरसाइज फटाफट कर लो, हाफ एन आवर में खत्म. यार हाफ एन आवर में मुझे अगर 45 मिनट्स में करनी है तो हाफ एन आवर में कैसे करूं? मैं पूरा दिन मतलब एम्बर का संभालती हूँ, एक 45 मिनट. आप मेरी बात माना, मैंने ये वाली रिक्वेस्ट घुटनों में गिर के करी थी. कुछ नहीं करी, आधे घंटे में कर लेना. और सोनिया ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया, मेरे को टाइम लगा दिया, ऐसे कैसे? बस मेरे को इधर बिठा दिया और खुद वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब बोले मैं 1.5 घंटा करूंगी, जाओ कर लो. मैं कौन होता हूँ? पतले पतली तो आर्म्स है आपकी, ठीक है, फैट आता नहीं है आपको बिल्कुल भी. मुझे घर पे बैठ के फैट ही आएगा ना, मुझे तो अपने आप को रखना है हेल्दी. हेल्दी मतलब अगर वर्कआउट करूंगी तो हेल्दी तो रहूंगी ना एटलीस्ट. और आप बोलते हो आप एक्सरसाइज करके आप अच्छा फील करते हो, तो यस आई फील गुड. आप अच्छा फील करोगे तो मेरे लिए अच्छा है, तो फिर मेरे से कभी लड़ना मत. ओके. हाँ, और वैसे भी दूसरी चीज फिर मैंने रियलाइज की यहाँ बैठ के, क्या कि आप एम्बर को लेके जिम जाते थे, वो वहाँ पे रहती थी, वॉकर उसको आदत है ना, अभी एक्सक्यूजेस रह गई है यार. वो आप उसको हाई चेयर में बिठा के आप एक्सरसाइज कर सकते हो उसके सामने. कर ही रही हूँ. ओ देखो उधर, देखो आई एम गोइंग. सो आज थोड़े स्टफ बैंगन बना रही हूँ, साथ में दाल मैंने रखी हुई है बनने के लिए, तो इस पे मैंने मसाला स्टफ कर दिया था बैंगन में, और हल्का सा इसको मैंने फ्राई कर लिया है. तो मसाले में जस्ट आमचूर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जो मसाले होते हैं वो करके थोड़ा सा करा. अभी उसके बाद इसको प्याज टमाटर का मैं तड़का दूंगी, जिसका मैं पेस्ट बना रही हूँ अभी. थोड़ा प्याज कर रही हूँ, इसी में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है मैंने. नाउ एडिंग सम जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली और टमाटो, एंड मैं पेस्ट बनाना है तो रफली ऐड कर रही हूँ सब कुछ. अनियन टमाटर का ये पेस्ट रेडी है, और मैंने सेम पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है. और आप चाहे तो दूसरा बर्तन यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसे अच्छा लगता है. तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ, अभी इसमें ऐड कर रही हूँ. इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गर्म मसाला, और थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर.
Now I'm adding some dahi. Adding all the brinjal bengan जो हमने फ्राई करे थे. Looks yummy already. तो इसको पकने देना है अराउंड 5 मिनट्स. अच्छी तरह कोटेड हो जाएंगे ये ग्रेवी के साथ. So बैंगन दाल दही. वैसे तो मेरे आईब्रोज आते नहीं हैं, बट इस बार आईब्रोज भी पहले जल्दी आ गए, हेयर ग्रोथ हो गई, मेरे तो आते नहीं थे. तो आप बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या करा है. मैं पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ना कि घर पे दीपक थे, तो मैं बड़ी प्रोडक्टिव हुई थी, बड़ा काम करा, हल्ला शेरी से भी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. वो जो हो गया, बट अभी लास्ट 4-5 दिन से ना बड़ा लेजी सा हो रखी हूँ मैं. कुछ नहीं करने का मेरा मन है, मतलब घर के काम से ही नहीं फुर्सत मिलती कि उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ. तो बट अभी मेरी बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई है कि मुझे ये करना है वो करना है. ये जो मैंने कटिंग करवाई थी ना, ये मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना. तो मैं यहाँ पे पिंस लगा के घूमती रहती हूँ ऐसे घर पे, और किसी दिन मेरा मन करता है तो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ. अभी तो मैंने हेड वॉश करा हुआ है, तो क्योंकि मैं ड्रायर वगैरह, हेयर ड्रायर जो होता है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. हेयर टूल्स बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ. कोरोना अपने एकदम काइंड ऑफ पीक ही समझ लो. तो अगर तब ऐसा होता और आपको पता होता कि ना मौसी आएगी और ना नैनी आएगी, हाँ. फिर आप कराते हेयर कट? हाँ, कटिंग का उससे कुछ लेना देना नहीं है. There's nothing to do with मौसी. फिर आप ऐसे क्लब करके क्यों रखते हो? आगे रखो ना. तो यार अभी गर्मी भी तो आ गई है ना थोड़ी सी. ऐसा आगे रखे फिर पोचा मारते हुए फ्लोर नहीं दिखता होगा. मैं हेयर बैंड लगा के रहती हूँ घर पे. हाँ तो वही पीछे करके रखते हो ना, ताकि आपको झाड़ू मारते वक्त फर्श देखिए, पोचा मारते वक्त मिट्टी. वैसे अभी देखो इतना मंथ भी नहीं हुआ, अभी मेरे बाल लंबे भी हो गए यहाँ तक, या आईब्रोज तक थे और देख लो लंबे हो गए हैं. तो गाइस मैं आपसे एक शेयर करता हूँ. आपको सोनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता है. मैं आपको सोनिया के उल्टे काम भी बताता हूँ आज. और मतलब जो काम जो मैं विटनेस करता हूँ यहाँ पे घर पे रहते हुए. तो अभी हम घर पे रह रहे हैं, तो फ्रूट्स के नाम पे मैं कलिंगर तरबूज ज़्यादा खाता हूँ. मतलब सोनिया भी पसंद करती है, ऐसा नहीं है. तो हम लोग खाते हैं दोपहर के टाइम पे. तो इनका मैडम का सिस्टम क्या है, इन्होंने तरबूज काट के नहीं खाना. अगर तरबूज मान लो मैंने 2 पीसेस में कर दिया ना, तो एक हाफ खा लिया एक पड़ा है, तो ये क्या करेंगी, ये किचन में आएंगी, इनका मोड़ किया चम्मच उठाएंगी, उसके बीच में से छेद कर देंगी. वो इतना बड़ा उसमें छेद करके छोड़ देंगी. तो अब मैं आता हूँ फिर किचन में, मैं देखता हूँ कि चलो तरबूज खाते हैं. अब साला मेन मटेरियल तो बीच में होता है, वो मैडम चमचे मार मार के खा जाती हैं. एक बार खाया और एक बार, और ठीक है, वो ही सुना रहे हैं. और साइडों में वो बचा कुचा जो थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट होता है वो रह जाता है. सिर्फ चोट ना बोलो, सिर्फ एक बार खाया, वो भी रात को मैंने. शुरुआत तो एक से ही होती है. दीपक की बात सुन लो, उससे वर्स्ट चीज हो दीपक ने अपनी नहीं बताई. दीपक क्या करते हैं, वो काटते हैं बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपरली उसको स्क्वायर से बना बना के काटते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, सो ये तो काम है इनके, ठीक है. दूसरी चीज सुन लो, इतने मतलब पंजाबी में होता है काली काली के पट्टे हो, मतलब जल्दबाजी, मतलब कोई काम ऐसे ना, मतलब करना है मतलब खत्म करना. अच्छा काम करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार ना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी काम कर जाते हैं. अब मौसी आती है, चलो ठीक है, अगला अपना काम वाम करके जाती है. तो अब उसको पैसे देने थे मंथ एंड के, तो अब उसको फोन मिला नहीं सके. तो बोले, मैंने कहा फोन मिला के पूछो उसको कि वो पैसे ले जाए. बोली मौसी के पास तो फोन नहीं है, मैं मौसा को फोन कर रही थी. मौसी के हस्बैंड को ये नहीं बोली कि मौसी का हस्बैंड, बोली मौसा और मौसा भी नहीं बोला, पंजाबी वाला मासड़ बोला. क्योंकि हम लोग के मुंह पे ना मौसी चढ़ानी है. हम जैसे शुरुआत हमने मासी बोलने से किया था, तो मौसी कह देते हैं, मौसी मुंह से निकलता ही नहीं है. तो ये मैडम पंजाबी मासड़ को बोलते.
मतलब इतनी जल्दी, इतनी इनको जल्दबाजी है कि इनके पास ये टाइम नहीं है बोलने का कि मौसी के हस्बैंड को यार फोन मेरी लाइफ करती हो। इतनी बिजी हो गई है ना, लोग आराम से वीडियो मूवीज एंजॉय करते हैं, मतलब मेरे पास तो टाइम ही नहीं यार अब तो। फिर अब खुद तो भी जब तो से हंसी रहे थे ना बोल के जब ये इंसिडेंट हुआ, हंस रहे कि नहीं हंस रहे? हाँ वो यार वो मौसा जो है मतलब मासड़ है, वो गार्डन में आते हैं यहाँ पे, और मौसी तो अभी घर पे आराम कर रही है। तो है वो मौसी इतनी अच्छी ना बेचारी, मैंने फोन करके है, मैंने कहा चल हाल चाल पूछती हूँ उनका। तो मैंने फोन ऐसे करा, मौसी कैसी हो, और तुम्हारी पगार देनी थी भिजवा दूंगी मैं। तो वो बोल रही है अरे बबली कैसी है, वो एम्बर को बबली बोलती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ऐसे पूछ रही है ना। और एम्बर की जो बेबी सिटर उसकी वीडियो कॉल भी आई है एम्बर, और एम्बर उनको देख के खुश हो रही है, मेरी मम्मी से अपनी दादी से किसी से वीडियो कॉल पे बात नहीं करती, देखा कैसे कॉन्टेक्ट बनाया था आई कॉन्टेक्ट। बेबी सिटर को देख के वीडियो कॉल पे उसको स्माइल दे रही है, उसको देखी जा रही है लगातार, 1 मिनट उसने देखा उसको, मतलब जैसे समझती है उसको। तो और अब दूसरी चीज, अब मैं अपनी एक अच्छी बात आपको बताता हूँ जो इवेंचुअली बुरी हो गई। मतलब सो मैंने अपने मतलब पल्ले बांध ली कि सोनिया ने बोला है, प्रोग्राम फिट कर लिया मैंने अपने दिमाग में, सोनिया ने बोला है कोई जूठा बर्तन बाहर नहीं होना चाहिए, सिंक के अंदर होना चाहिए। तो मेरे को उधर किचन में जाता हूँ, मेरे को कुछ भी दिखता ना मैं उसको उठा के सिंक में डाल देता हूँ। मतलब मेरा तकिया कलाम हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी सोनिया ने बोला तरबूज काट के उसके छिलके जो है वो कोई बात नहीं। सोनिया बड़ी तसल्ली से मुझे बोली ना, एकदम कंफर्ट देते हुए बोले कोई बात नहीं, आप एक काम किया करो, जब तरबूज काटते हो तो उसके छिलके ना फ्लो उस पे मत रखा करो। एक जन थोड़ी बोलता है, दूसरा मैंने बोला कि जब वाटरमेलन आप काटोगे जो उसके छिलके होंगे आप पूरे स्लैब पे जो किचन के ना उस पर पूरा गंदा, और उसके बाद उस पर मक्खियां स्टार्ट हो जाए इतना गंदा, क्योंकि तब मैं अंदर को सुला रही होती हूँ और दीपक किचन में काम करते हैं। तो मैंने कहा एटलीस्ट आप एक साइड पे किसी बर्तन में सिंक में रख दिया करो, अगर आपको झुकना नहीं है डस्टबिन में डालने के लिए। एक बार बोला और दीपक ने कहा रोज जब मैं उठती हूँ ना दोपहर के बाद इतना सिंक वो तरबूज के वो चैम्बर। दोपहर को सोई और वो जल्दी उठ गई, तो मैंने सोचा यूटिलाइज करती हूँ वो टाइम को। तो आई एम ट्राइंग चॉकलेट मफिन, मुझे बेकिंग तो नहीं आती है बट मैं कभी ना कभी ट्राई करती रहती हूँ, और कई बार अच्छे बन जाते हैं कई बार बेकार बनते हैं, तो होपफुली आज अच्छे बने। तो सो ये मैंने इसका बैटर रेडी कर लिया है। तो इसमें मैंने आटा लिया है, और अगर अच्छा रहा तो मैं ट्राई करूंगी, अच्छा बनना चाहिए भाई तब भी मैं शेयर करूंगी, अदरवाइज तो नहीं। थोड़ी सी शुगर कम लग रही है, तो चलो पोर करते हैं इसको मफिन ट्रे में। तो मफिन बन रहे हैं और अभी हमारा है प्ले टाइम। तो आई फील बैड फॉर बेबीज बिकॉज अभी तो एम्बा ने बाहर जाना शुरू करा था और अभी से बंद है घर पे। बट चलो बच्चों का भी पता नहीं, इतने छोटों को, जो बच्चे 3-4 साल के होते हैं उनको पता होता है। एंड हम लोग सोचते हैं कि वो लोग कैसे घर में टिक के बैठे हैं बच्चे, है ना एम्बर? वो डेडा का वर्क स्टेशन है आज ऊपर। एम्बर गो गेट द बॉल, यस गुड गर्ल। हम डेडा अंदर हो, मम्मा नु नहीं डेडा अंदर यहाँ। मफिन और हियर, और बहुत स्पंजी भी बने हैं ये। I need any more, I need no more, I need any more. I feel no more, not 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 any more, and I am. Amber, Amber. Hmm.
भाई टाइम पर सो गया और मैंने फेस मास्क लगाया है अभी, तो मुझे लग रहा है, मुझे तो कई बार याद ही नहीं रहता कि कौन सा दिन है। आज मैं सोची आ रही हूँ कि आज वेंसडे है, हालांकि आज ट्यूसडे है। सो और दूसरी बात मुझे लग रही है कि अभी आधा घंटा पहले मैंने पोछा लगाया था, डस्टिंग करी थी और फिर से मैं लगा रही हूँ। मतलब ऐसे दिन लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा, बट मुझे लग रहा है कि दिन ऐसे भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता लाइफ का कि कहाँ कहाँ जा रही है। और आज मैं थोड़ी सी अभी शाम से थोड़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, अजीब सा गुस्से वाला मेरा मूड हो रखा है। एक तो न्यूज़ देख के कि महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस और आ गए हैं और लोग वैसे घूम ही जा रहे हैं, कहीं फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो अजीब सा मेरा को अच्छा नहीं लग रहा था कि पता नहीं लोग अगर अपना नहीं सोचना दूसरों का तो सोचे लोग तो। और यहाँ पे अभी मैं विंडो में खड़ी देख रही थी, कई लोग ऐसे वॉक पे निकले हुए हैं और यू नो पता नहीं, आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं है। सो अभी थोड़ा सा अपने आप को काम करा मैंने और फेस पैक मैंने का लगाती हूँ और ये वाली वीडियो एडिट करके कल अपलोड कर दूँगी। यस, और उधर एम्बर सो रखी है एंड दीपक की अभी तक थोड़ी कॉल थी, मीटिंग थी, तो 10 बजे है और दीपक भी एक्चुअली काफ़ी बिजी हो चुके हैं, सुबह से शाम तक उनका काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, तो ये भी रीज़न है कि हम लोगों ने बात ही नहीं करी सारा दिन। और बस सो गाइस विल फिनिश दिस व्लॉग हियर, बताओ कि कैसा व्लॉग आपको चाहिए मैं वो शेयर करूँगी। सो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।